जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। जवाहरलाल नेहरू जी की पहली बार मुलाकात गांधी जी से किस वर्ष में हुई? 1916। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कब चुने गए थे? 1929। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? 8 अगस्त 1942। जवाहरलाल नेहरू किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं? ट्रिनिटी कॉलेज। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री किस कालखंड में थे? 1947 से 1964। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस अखबार की शुरुआत की थी? नेशनल हेराल्ड। जवाहरलाल नेहरू की बहन का क्या नाम था जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? विजया लक्ष्मी। जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी का क्या नाम है? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा को मलयालम में अनुवाद किसने किया? C.H. कुंजप्पा। जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1955। जब भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नॉन अलाइन आंदोलन की शुरुआत किस भारतीय प्रधानमंत्री ने की थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? 11 बार। उस आत्मकथा का नाम बताइए जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी और 1936 में अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। टुवर्ड फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी किसने घोषित किया? महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1962 में जब भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का कौन सा भाग तैयार किया? प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना।